कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टेबलाइजर लगाने से बिल ज़्यादा आता है या कम आता है। तो उसमें एक कंडीशन ऐसी भी आ रही थी जिससे कि स्टेबलाइजर से बिल कम हो रहा था। तो उस वीडियो पे एक भाई का कमेंट आता है कि फिर तो स्टेबलाइजर को 11,000 वोल्ट पे लगा ले, तेरा बिल माइनस में आएगा विद लाफिंग इमोजी। तो भाई के कमेंट में उतना ही लॉजिक था जितना कि इंडियन टीवी सीरियल्स में होता है। तो आज हम एक बार फिर से उस कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिससे कि स्टेबलाइजर बिल को कम भी कर सकता है। तो चालू करते हैं फिर। अब एक स्टेबलाइजर का काम बहुत ही सिंपल होता है, हमारे घर में एक नॉर्मल और कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रख के चलना, जो कि होता है 220 से लेके 240 वोल्ट तक। यानी कि स्टेबलाइजर के इनपुट में कितना ही वोल्टेज हो, इससे कितना ही कम या ज़्यादा, उसके आउटपुट में इतना ही वोल्टेज हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अब वो जो कंडीशन थी जिससे कि स्टेबलाइजर बिल को कम भी कर सकता था, वो तब पॉसिबल था जब जो उसका इनपुट वोल्टेज है उसके आउटपुट वोल्टेज से, यानी कि नॉर्मल वोल्टेज से ज़्यादा हो। यानी कि मान लो आउटपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट नॉर्मल वोल्टेज, और उसके इनपुट में इससे ज़्यादा वोल्टेज आने लगे, यानी कि स्टेबलाइजर के अंदर जा रहा है 280 वोल्ट और उसके आउटपुट में से निकल रहा है 220 वोल्ट, तो इस कंडीशन में बिल कम आएगा। अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि आखिर इस कंडीशन में बिल कम क्यों आता है। अब हमारा बिल आता है यूनिट के हिसाब से, और एक यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर, यानी कि कितनी पावर की चीज़ को हमने कितने घंटे तक चलाया, इससे तय होगा कि हमारा बिल कितना आना है। और यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक पावर की, जो कि इक्वल टू होती है वोल्टेज इनटू करंट, और यहाँ पे हो गया आवर डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये वोट में था और ये किलोवाट में। अब यहाँ पे हमारे पास अपने लोड को चलाने के दो तरीके हैं, एक है बिना स्टेबलाइजर के और एक है स्टेबलाइजर के साथ। तो हमने अभी कंडीशन मानी थी कि स्टेबलाइजर के इनपुट में जब भी वोल्टेज हाई आएगा तभी वो बिल को कम कर सकता है। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज मान लिया था 280 वोल्ट, यानी कि अगर तुम बिना स्टेबलाइजर के अपने लोड को चला रहे हो तो वो चलेगा 280 वोल्ट पे, और स्टेबलाइजर के साथ वो चलेगा 220 वोल्ट पे। अब इन दोनों कंडीशन को हम कंपेयर करके देखेंगे कि किस कंडीशन के अंदर तुम्हारा लोड ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है पावर का, P = V² / R। इस फॉर्मूले का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास लोड का इंटरनल रेजिस्टेंस हो और हमारे पास वोल्टेज हो कि कितना वोल्टेज उसे मिल रहा है। तो इस कंडीशन में मान लो हम लोड का रेजिस्टेंस मान लेते हैं 100 ओम, तो यहाँ पे कितना पावर होगा, 280 × 280 / 100। ऐसे यहाँ पे कितना पावर होगा, 220 × 220 / 100। तो यहाँ पे तुम्हारा पावर निकल के आएगा, ये 20 साफ, तो ये बचा यहाँ पे 784 वोट। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारा पावर निकलेगा 22² 484 वोट। यहाँ पे तुम देख सकते हो बिना स्टेबलाइजर के तुम्हारे घर में कितना वोल्टेज आता, 280 वोल्ट, और स्टेबलाइजर ने वोल्टेज को मेंटेन करके यानी कि कम करके कितना कर दिया, 220 वोल्ट। तुम्हारा जो लोड है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि लोड का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है, जो कि है 100 ओम। तो इन दोनों कंडीशन में जो पावर है 280 वोल्ट पे, यानी कि बिना स्टेबलाइजर के ज़्यादा आ रहा है, जबकि स्टेबलाइजर के साथ तुम्हारा पावर जो है वो कम आ रहा है। अब इन दोनों कंडीशन में हमने पावर फैक्टर नाम की आफत को सेम मान के चला है, जो कि हमने माना है आइडियल यानी कि 1। अब यहाँ पे जो यूनिट का फॉर्मूला था वो था kW/hr। आवर यानी कि कितने टाइम तक हम अपने डिवाइस को चलाते हैं। अब यहाँ पे हम टाइम को भी कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। मान लो हमने उस डिवाइस को 280 वोल्ट पे भी एक घंटे के लिए चलाया और इसने 220 वोल्ट पे भी एक ही घंटे के लिए चलाया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से और इसको भी 1000 से, तो यहाँ पे तुम्हारी कितनी यूनिट बनी, 0.784, और यहाँ पे कितनी बनी, 0.484। यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो बिना स्टेबलाइजर के हाई वोल्टेज पे तुम्हारा डिवाइस ज़्यादा पावर कंज्यूम करता, जबकि लोअर वोल्टेज पे तुम्हारा डिवाइस कम पावर कंज्यूम कर रहा है। और यही वो वजह भी है जिससे कि तुम्हारे डिवाइस ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई पावर कंज्यूम करने के लिए वे नहीं बने होते। तो जिस वीडियो पे भाई ने इतना इलॉजिकल कमेंट किया था उसमें भी बात कंपैरिजन की हो रही थी कि अगर घर में हाई वोल्टेज आ जाए तो लोड कितना पावर लेगा, और अगर स्टेबलाइजर से उस वोल्टेज को हम कम कर दें तब लोड कितना पावर लेगा। इन दोनों कंपैरिजन में जो स्टेबलाइजर के केस में लोड जो है कम पावर लेने वाला था। तो बस उम्मीद है कि ये चीज़ तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी कुछ बाकी है तो तुम उसे नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।